वेलकम बैक यारो, मेरे हाथ में है दो लेटेस्ट डिवाइस, Redmi Note 13 Pro Plus और Redmi Note 13 Pro। दोनों की ही प्राइसिंग में अप्रोक्स 5000 का डिफरेंस है बैंक ऑफर लगाने के बाद। कंपैरिजन करना तो बनता है ना, क्योंकि देखना तो बनता है बॉस कि एक्स्ट्रा पैसे खर्चने चाहिए इस पे या नहीं खर्चने चाहिए, इतना खर्चा हो गया। सो लेट्स बिगिन विद कैमरा कंपैरिजन। और दोनों के ही कैमरा यूआई की बात करें तो इक्वली सेम चीज मिलती है यार, दोनों के ही कैमरा में वैसा ही इंटरफेस आपको मिलेगा, वही फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। दोनों में ही 200 मेगापिक्सल भी मिलता है। डिफरेंस ये है कि इस प्रोसेसर डिफरेंट है, आईएसपी डिफरेंट है, तो रिजल्ट डिफरेंट आया है। दोनों ही कैमरे से जब लोगे पिक्चर्स 200 मेगापिक्सल में तो डिटेल्स उतनी ज्यादा नहीं रहती है, लेकिन तब भी जूम इन करोगे तो 13 प्रो प्लस में हल्की बेटर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। लेकिन वही रात में आप ट्राई करोगे तो रात में तो 13 प्रो में ओवर एक्सपोज हो जाती है पिक्चर, जहां भी आपको लाइट देखने को मिलती है। यार 200 मेगापिक्सल उतना यूजेबल नहीं है, लेकिन फिर भी फीचर दे दिया है। अब बात करते हैं 50 मेगापिक्सल वाले बैक कैमरे की। कलर एक्यूरेसी मोस्टली आपको 13 प्रो प्लस में मिल जाती है एज कम्पेयर टू 13 प्रो। स्किन टोन की बात करें तो दोनों में ही स्किन टोन सही नहीं लिया गया है। 13 प्रो में आपको व्हाइटिश टोन मिल जाएगी एंड जो 13 प्रो प्लस में स्किन है हल्की कभी कभी रेडिश सी आती है। जब पीछे से काफी हार्श लाइट पड़ती है ना तो 13 प्रो में फेस पे एक्सपोजर आता ही नहीं है, लेकिन 13 प्रो प्लस में देख लो वो भी गंदा है। आउटडोर में कलर एक्यूरेसी डिटेल्स आपको 13 प्रो प्लस में मिल जाएंगी। 13 प्रो क्या करता है कि फेस पे ना स्मूथनेस हल्की से ला देता है, लेकिन बिना जूम किए दोनों ही पिक्चर्स को आप कंपेयर करोगे ना तो कई बार आपको 13 प्रो की भी पिक्चर्स अच्छी लगेंगी। और 13 प्रो प्लस में पीछे से जब सनलाइट पड़ती है तब भी ये बहुत ज्यादा वाइट कर देता है, इतना ज्यादा एक्सपोजर बढ़ा देता है जो अच्छा नहीं लगता है, बहुत आर्टिफिशियल लगता है। बहुत सारे सैंपल्स लेने के बाद मैं ये कहूंगी कि मुझे 13 प्रो ज्यादा बेटर लगा 13 प्रो प्लस के कंपैरिजन में। नाइट में भी डिटेल्स की बात करें तो 13 प्रो प्लस में बेटर डिटेल्स आपको मिलेंगी। इनफैक्ट बेटर HDR भी आपको 13 प्रो प्लस में मिलेगा। दोनों में ही एक चीज सही है कि आपको बहुत ज्यादा नॉइजी पिक्चर्स देखने को नहीं मिलती है नाइट मोड में, और जहां भी लाइट्स आएंगी वहां पे एक्सपोजर को 13 प्रो प्लस ज्यादा अच्छे से मेंटेन करता है। 10 टाइम्स तक आप जूम शॉट्स ले सकते हो डिजिटली, एंड डिटेल्स की बात किया जाए या फिर कलर एक्यूरेसी की बात किया जाए तो 13 प्रो प्लस में आपको थोड़ा बेटर मिलेगा 13 प्रो के कंपैरिजन में। पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करते हैं, देखो दोनों में ही एक जैसा बोके इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, एक जैसा एज डिटेक्शन देखने को मिलता है। मैंने जूम इन करके देखा तो सेम गलती जो 13 प्रो में है ना वही 13 प्रो प्लस में भी आपको मिलेगी। पर मेन डिफरेंस तब आता है ना जब ह्यूमन सब्जेक्ट के पीछे सन हो और आपको पोर्ट्रेट शॉट लेनी हो, क्योंकि इतना ज्यादा ओवर एक्सपोज कर देगा 13 प्रो कि पीछे का जो स्काई है वो पूरा व्हाइट आएगा। अल्ट्रा वाइड शॉट्स की बात कर लेते हैं तो डिटेल्स यार दोनों में ही नहीं रहती है, लेकिन फिर भी कंपेयर करोगे तो 13 प्रो प्लस में हल्की बेटर डिटेल आपको दिख जाएगी 13 प्रो के कंपैरिजन में। इवन HDR भी बेटर मैनेज कर लेता है 13 प्रो प्लस का कैमरा। 13 प्रो प्लस में कलर एक्यूरेसी थोड़ी बेटर रहती है। नाउ सेल्फीज की बात कर लेते हैं तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे 13 प्रो प्लस बहुत ही बुरा परफॉर्म करता है। फेस पे देख रहे हो क्या ही व्हाइटिश टोन दे दिया है, मतलब बहुत ही आर्टिफिशियल लुक लग रहा है, लेकिन 13 प्रो काफी बेटर परफॉर्म कर रहा है। स्मूथनेस आपको दोनों ही पिक्चर्स में मिलेंगी, लेकिन स्किन टोन आपको 13 प्रो की ज्यादा बेटर लगेगी। ओवरऑल मैं पिक्चर्स क्लिक करने की बात करूं तो मैं 13 प्रो प्लस से यार थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ यार, क्योंकि इस प्राइस में वीवो IQ सैमसंग बहुत अच्छे कैमरा प्रोवाइड करता है ऑलरेडी, और रेडमी ने उतना ज्यादा वर्क नहीं किया, लेकिन 13 प्रो के कैमरे से मैं ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। ऑलराइट, तो वीडियो की भी बात कर लेते हैं। दोनों के ही बैक कैमरे से आप 4K एट 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। OIS प्लस EIS की स्टेबलाइजेशन आपको दोनों में ही मिल जाती है। वीडियो स्टेबलाइज होती है लेकिन आप रन करोगे तो जर्क्स जो है वीडियो में पता चलते हैं। इनफैक्ट फ्रंट कैमरे से भी आप 1080p में शूट कर सकते हो। ओवरऑल एक्सपोजर कौन बैलेंस कर पा रहा है, स्किन टोन किसमें बेटर है, वो आप जज कर सकते हो। नाउ डिजाइन की बात कर लेते हैं। देखो दोनों ही हाथ में अच्छे लगते हैं, कंफर्टेबल लगते हैं। दोनों की ही साइज इक्वल है, दोनों के ही ग्लास बैक दिए हुए हैं, लेकिन प्रो प्लस जो है वो काफी स्लिम है प्रो के कंपैरिजन में। 13 प्रो में आपको IP54 की रेटिंग मिलेगी एंड प्रो प्लस में आपको IP68 की रेटिंग मिलेगी। दोनों की डिजाइन जो है बिल्कुल सेम है। ड्यूअल स्पीकर आपको मिल जाएंगे ऊपर नीचे एंड IR ब्लास्टर मिल जाएगा।
जाएगा। इवन सिम ट्रे स्लॉट में आपको दो सिम कार्ड रखने की स्पेस मिलेगी, एसडी कार्ड का स्लॉट आपको नहीं मिलता है। 13 प्रो में आपको 3.5 mm हेडफोन जैक का स्लॉट मिलेगा, लेकिन 13 प्रो प्लस में आपको वो नहीं मिलता है। ऑलराइट, तो अब डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। 13 प्रो में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगी। बेजल्स दोनों के ही सामने से एक जैसे हैं, एक डिफरेंस है। 13 प्रो फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है, 13 प्रो प्लस कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। दोनों में ही आपको 6.6 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी। 10 बिट के मिलेगी, 12 बिट की नहीं, लेकिन फिर भी कंपनी क्लेम करती है कि 68 बिलियन कलर्स प्रोड्यूस करेंगे। मिसलीडिंग है। 1.5K रेजोल्यूशन आपको दोनों में ही मिलेगा। नाउ कंटेंट की क्वालिटी की बात कर लेते हैं, बेटर HDR किस में मिलेगा? तो साफ तौर पे 13 प्रो प्लस में आपको ज्यादा बेटर HDR मिलता है। इवन स्किन टोन की बात की जाए तो उसपे भी एक्सपोजर हो गया, जो हाईलाइट्स हो गए, इवन डिटेल्स हो गए, वो 13 प्रो प्लस में आपको ज्यादा बेटर दिखते हैं। तो पैसे दिए हैं आपने 13 Pro Plus के लिए, तो क्वालिटी आपको मिलेगी बेटर। रिफ्रेश रेट दोनों में ही 120 हर्ट्ज तक जा सकता है, एंड यार स्मूथ स्क्रॉलिंग हो जाती है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों में ही मिलता है। देखो, अगर खुलना हो ना तो बहुत जल्दी ओपन हो जाता है फोन, वरना कई बार 2-3 अटेम्प्ट्स करने पड़ते हैं, स्पेशली अगर आपका हाथ वेट हो। और इतना ही नहीं यार, फिंगरप्रिंट का यूज करके हार्ट रेट की मॉनिटरिंग भी हो सकती है, जो कि हाईली इनएक्यूरेट है। मतलब मैंने इसमें लेफ्ट थंब से किया मेजर, इसमें राइट थम से किया एक ही टाइम पे, एंड डिफरेंस बहुत ही ह्यूज है। नेटफ्लिक्स पे आपको दोनों में ही डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन आपको 13 प्रो में HDR 10 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। ऑलराइट, तो ऑडियो क्वालिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप बस डिस्प्ले ही तो नहीं देखोगे ना, अच्छी ऑडियो भी तो चाहिए। एंड दोनों में ही आपको ड्यूअल स्पीकर मिल जाते हैं, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट, हाई रेजोल्यूशन ऑडियो सपोर्ट मिलता है दोनों में। तो क्या दोनों की आउटपुट सेम है? वेल नहीं, मैंने चेक करके देखा, जो बेस की क्वालिटी है एंड जो वोकल्स की क्लैरिटी है, वो आपको 13 प्रो प्लस में थोड़ी बेटर मिलती है। तो डिस्प्ले एंड ऑडियो का क्लियर विनर है 13 प्रो प्लस। तो अब आते हैं हम लोग परफॉर्मेंस पे। देखो, 13 प्रो में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2, और आपको 13 प्रो प्लस में मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा। देखो, बेंचमार्क स्कोर्स में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। मेमोरी टाइप की बात कर ले तो उसमें भी आपको डिफरेंस दिखाई देगा। स्टोरेज स्पीड को टेस्ट किया, रैंडम रीड राइट स्पीड में डिफरेंस मिलेगा। अब इन सब बकवास को हटाते हैं, रियल लाइफ टेस्ट पे आते हैं। तो मैंने स्पीड टेस्ट करके देखा, और जो हमारे छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू टाइप के एप्स होते हैं, जैसे सोशल मीडिया एप्स हो गए, शॉपिंग एप्स हो गए, देखो कभी इसमें जल्दी ओपन हो जाता है, कभी 13 प्रो में जल्दी ओपन हो जाता है, कोई भी विनर नहीं है। लेकिन जब बात आती हैवी टास्क की, जैसे आपको ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स खेलने हो, जैसे BGMI ओपन करना हो, या फोन को रीस्टार्ट करना हो, ऐसे काम 13 प्रो प्लस जो है वो जल्दी कर लेता है। मैंने 4K वीडियो को भी एक्सपोर्ट करा के देखा, वीडियो पूरा एक्सपोर्ट हो चुका था 13 प्रो प्लस में, और 13 प्रो में आधा एक्सपोर्ट भी नहीं हुआ था, इतना ज्यादा डिफरेंस है। तो हैवी टास्क के लिए 13 प्रो प्लस आपको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा। नाउ अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की। दोनों में ही आपको MIUI 14 मिलेगा, Android 13 बेस्ड। पहले इस चीज को इन्होंने कॉम्पनसेट करने की कोशिश की है, इन्होंने प्रॉमिस किया है कि 3 years के सॉफ्टवेयर अपडेट्स देंगे और 4 years के सिक्योरिटी अपडेट्स देंगे। UI बिल्कुल दोनों का सेम है, सेम फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, ड्यूअल एप्स मिल जाएगा, AOD मिल जाएगा, फ्लोटिंग विंडो मिल जाएंगे, इवन ब्लोटवेयर्स की क्वांटिटी दोनों में सेम है, एग्जैक्ट वही है, वही कूड़ा एप्लीकेशंस जो आपको नोटिफिकेशन में एड्स भेजेंगे। नाउ रियल लाइफ यूज में क्या होता है कि 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मैं कोई ऐप यूज कर रही थी और इसने मेरे को बाहर फेंक दिया, एंड जो बैकग्राउंड में जितने भी एप्स थे वो सब रिलोड हो गए। तो सॉफ्टवेयर में ऑप्टिमाइजेशन की कमी लग रही है, जो फर्दर अपडेट्स के साथ इंप्रूव की जा सकती है। रैम मैनेजमेंट डिसेंट है, 8GB तक आप दोनों में ही एक्सपेंशन कर सकते हो। दोनों ही फोन में आपको एक्स एक्सिस लीनियर मोटर मिल जाएगा, मतलब हैप्टिक फीडबैक के लिए, लेकिन सेम परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी। 13 प्रो प्लस में आपको बेटर हैप्टिक मिल जाता है। अब कॉलिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं, भाई दोनों ही 5G फोन है, VoNR का सपोर्ट आपको दोनों ही फोन में नहीं मिलता है। इनफैक्ट अगर आपका फोन 5G पे है एंड आपको कोई कॉल आ गई तो दोनों के दोनों फोन 4G पे शिफ्ट हो जाते हैं। 13 प्रो में ऐसा हुआ तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन 13 प्रो प्लस में तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर अपडेट के थ्रू ये भी फिक्स किया जा सकता है। MIUI डायलर मिलता है, तो
जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो बिना आकाशवाणी के। तो भाई जियो दन दना दन। वायरलेस कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं तो इस केस में 13 प्रो प्लस बेटर है 13 प्रो से। वाईफाई ब्लूटूथ वर्जन है वो बेटर है। इनफैक्ट 13 प्रो प्लस में आपको NFC भी मिलता है जो आपको 13 प्रो में नहीं मिलता है। अब थोड़ी बैटरी शैटरी की बात कर लेते हैं। 5100 mAh की बैटरी आपको 13 प्रो में मिल जाती है और 5000 mAh की बैटरी आपको 13 प्रो प्लस में मिल जाती है। एंड इसको चार्ज करने के लिए आपको मिलता है मोटा तगड़ा 120 वॉट का अडैप्टर और 13 प्रो में मिलता है आपको 67 वॉट का चार्जर। नाउ बैटरी यार दोनों की ही सही है, मतलब एक दिन तो मेरा आराम से चल जाता है दोनों का दोनों फोन। दोनों पे ही मैंने वाईफाई ऑन करके छोड़ दिया रात भर, मतलब 7 to 8 hours दोनों ही फोन आइडल पड़े हुए थे। एंड बैटरी ड्रेन का इश्यू दोनों में ही नहीं है, 2 to 3% ड्रेन हुआ था जो कि कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, तो अब गेमिंग परफॉर्मेंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने 13 प्रो प्लस पे गेमिंग ट्राई किया 1 hour के लिए। सेटिंग्स मैंने स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे रखी थी एंड फिर मैंने खेलना चालू कर दिया एंड मुझे ऐसा कोई लैग नजर नहीं आ रहा था, स्टटरिंग वगैरह नहीं हो रही थी, अच्छा खासा गेम स्मूथली चल रहा था। लेकिन एक दो बार ऐसा जरूर हुआ कि थ्रॉटलिंग हुई एंड ब्राइटनेस अपने आप डिक्रीज हो गई, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि फ्रेम इतना ज्यादा गिर गया कि आप खेल नहीं पा रहे हो। ओवरऑल आपको 1 घंटे की गेमिंग करनी है, आप आराम से इस डिवाइस पे गेमिंग कर सकते हो। और अब बारी आती है Redmi Note 13 Pro की। नाम सुनकर लगेगा कि परफॉर्मेंस होने वाली है तगड़ी, लेकिन उतनी ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुई क्योंकि 1 घंटे की गेमिंग में कई बार जो ब्राइटनेस है फोन की वो अपने आप लो हो जाती है। और इतना ही नहीं, भयंकर लैग हो रहा है, और बहुत ही भयंकर लैग हो रहा है, और बहुत ही भयंकर लैग हो रहा है, मतलब हम खेल नहीं पा रहे। हल्की फुल्की गेमिंग कर सकते हो लेकिन ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स के लिए No, I won't recommend it. Overall, अगर आप 5-6,000 extra दे रहे हो ना 13 Pro Plus के लिए, तो उसमें आपको better display, better audio, better connectivity features मिलेंगे। In fact, heavy task के लिए better performance भी मिलेगी। तो अगर आप इन चीजों से बिल्कुल ही compromise नहीं करना चाहते, तो 13 Pro Plus आप buy कर सकते हो। Well, ये था overall video. I hope कि आपको clarity मिली होगी कि आपके need के according आपके लिए कौन सा best phone रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो को रीच मिलेगी और थोड़ा चैनल ग्रो करेगा। बाय द वे, मैं हूं सृष्टि, आप देख रहे हो टकीला टी चैनल, जहां आपको मिलेंगे अनबायस्ड रिव्यूज और इंटरेस्टिंग टेक एक्सप्लेनर्स। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।